दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अंग्रेजों की अकेले दम पर धजिया उड़ाने के बाद रविंद्र जडेजा ने जब अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तो इस खूबसूरत लम्हे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया तो आखिर क्यों जडेजा ने बीच मैदान में छोड़िए धोनी के पैर ऐसा क्या कुछ किया धोनी ने अपने चहेते खिलाड़ी को अपने कदमों से उठाकर सीने से लगाते हुए उनके बीच हुआ यह खूबसूरत लम्हा इस वक्त महानता के मिसाल बना हुआ है उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा और धोनी में कौन सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर है अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा जहां पहले दिन गेंदबाजों ने तहलका मचाया तो दूसरे दिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से धार लगाते हुए अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ही पहले टेस्ट मैच को जीतने के इतने करीब पहुंच चुकी है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इस मुकाबले में सबसे बड़े मैच विनर अब तक साबित हुए हैं रविंद्र जडेजा न केवल उन्होंने पहले दिन तीन विकेट हासिल किए बल्कि जब भारतीय टीम को रनों की सबसे अधिक दरकरार थी तो जडेजा ने पहले राहुल के साथ अर्धशतक लगाए और पार्टनरशिप को अंजाम दिया तो फिर राहुल के छियासी रन बनाकर आउट होने के बाद जडेजा का विकेट लेना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हुई यह खिलाड़ी तो लोन वॉरियर की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किया हुआ था देखते ही देखते उन्होंने केवल बहत्तर गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया उसके बाद भी रुकना क्या होता है यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं के एस भारत के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशत की साझेदारी को अंजाम दिया टीम इंडिया को इंग्लैंड पर सौ रनों से भी अधिक की बढ़त दिलाई चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक मैच विनिंग पारी खेल डाली जिसके दम पर टीम इंडिया दूसरे दिन ही मुकाबला जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी इतना सब होने के बाद तो हर तरफ केवल जडेजा का बोलबाला था सभी उन्हें खूब बधाई दे रहे थे लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब जडेजा ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी दरअसल आपको बता दें दूसरे दिन टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी भी स्टेडियम में मौजूद थे जडेजा की सफलता पर उन्होंने बेहद जोरों से जश्न मनाया ऐसे में दूसरा दिन खत्म होने के बाद वह जडेजा को पर्सनली बधाई देने के लिए उनके पास जा पहुंचे अपने आइडल धोनी को सामने देखकर जडेजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे वह पूरी तरह से सरप्राइज रह गए और फिर धोनी का स्वागत उन्होंने गले मिलकर किया बल्कि उनके पैर भी छू लिया ये देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया यहाँ तक की उनकी पत्नी रिवाबा से लेकर राहुल भी हैरान थे खुद धोनी भी जडेजा के अंदाज देख कर भावुक हो गए उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट जडेजा को कदमों से उठाकर सीने से लगा दिया उनकी फीट तब तपाई और शाबाशी देते हुए उनके तारीफों के कसीदे पढ़ डाले सच में जिस अंदाज में जडेजा ने धोनी के पैर छुए इसल महीने करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया जडेजा ने दिखा दिया कि अपने गुरु का सम्मान करना किसे कहते हैं जहां उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बीच मैदान में धोनी का आशीर्वाद लेने उन्होंने भारतीय संस्कृत का अद्भुत नमूना पेश किया जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा और इस वक्त दिन खत्म होने के बाद वह जडेजा को पर्सनली बधाई देने के लिए उनके पास जा पहुंचे अपने आइडल धोनी को सामने देखकर जडेजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे वह पूरी तरह से सरप्राइज रह गए और फिर धोनी का स्वागत उन्होंने गले मिलकर किया बल्कि उनके पैर भी छू लिया ये देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया यहाँ तक की उनकी पत्नी रिवाबा से लेकर राहुल भी थे खुद धोनी भी जडेजा के अंदाज देखकर भावुक हो गए उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट जडेजा को कदमों से उठाकर सीनेस लगा दिया उनकी फीट तब तप आई और शाबाशी देते हुए उनके तारीफों के कसीदे पढ़ डाले सच में जिस अंदाज में जडेजा ने धोनी के पैर छुए लम्हे ने करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया जडेजा ने दिखा दिया कि अपने गुरु का सम्मान करना किसे कहते हैं जहां उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बीच मैदान में धोनी का आशीर्वाद लेने उन्होंने भारतीय संस्कृत का अद्भुत नमूना पेश किया जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा और इस वक्त की जरूर की खिश दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ना शुरू कर दिए लेकिन पहले खेल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर मैदान पर तांडो मचाया और मैच का पूरा रुख पलट दिया फिर राहुल ने श्रेय सैयर के साथ मिलकर भारत की पारी को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुँचाया तो आखिर कैसे दूसरे दिन टीम इंडिया ने मैच में बेहतरीन वापसी की कैसे खेल राहुल ने लगाई टीम इंडिया की नैया पार कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले डो मछरा कर इंग्लैंड के सामने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा के राहुल आई जडेजा या फिर कोई और कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने तेईस ओवरों में एक रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे जयसवाल छिहत्तर रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे तो वहीं शुभमन गिल चौदह रन दूसरा दिन का खेल खेल शुरू हुआ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक बार फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं उनके सामने गेंद को लेकर आए थे जो रूट पहले दिन की तरह ही यशस्वी जायसवाल और शुभमन के आक्रामक अंदाज में ही नजर आ रहे थे क्योंकि जो रूट की दूसरी ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जोर दिया लेकिन जो रूट को बदला लेना बड़ी ही आसानी से आता है अपनी चौथी गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को क्वॉट एंड बोल्ड कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया भारतीय टीम को दूसरे दिन बहुत जल्दी झटका लग गया टीम इंडिया का दूसरा विकेट एक रनों के स्कोर आरोप गिर गया था शुभमन गिल का साथ दिन के लिए मैदान पर के राहुल आ गए टीम इंडिया के सामने अभी भी एक रनों की लीड थी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे दूसरे दिन भारतीय टीम को खेलने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान शुरुआत से ही स्पिनरों से गेंद को फेंकवाना शुरू कर दिए थे लेकिन केएल राहुल अलग, अलग अंदाज में नजर आ रहे थे वो अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू कर दिए उनतीसवें ओवर में गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड की तरफ ऐसी टॉम हार्टली और उनको राहुल ने लगातार दो चौके जड़ दिए भारतीय टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे लेकिन वही इंग्लैंड के गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे लेकिन शुभमन गिल और के राहुल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के स्कोर को ये तेजी से आगे बढ़ाते में लगे हुए थे और ये धीरे धीरे एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे थे सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किए जा रहे थे वहीं इंग्लैंड की तरफ ऐसी जोरुट और टॉम हार्टली लगातार गेंदबाजी करते दिख रहे थे देखते ही देखते टीम इंडिया ने इकतीस ओवर में शुभमन गिल ने जैकलिच की पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया को एक रनों के आंकड़े को पार करा दिया लेकिन अभी भी भारतीय टीम संतानवे रनों से पीछे थी शुभमन गिल संभल संभल कर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे उनका साथ देने के राहुल भी भरपूर निभा रहे थे दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर छब्बीस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाजों की ये धजिया उड़ाने पर तुले हुए थे दोनों खिलाड़ियों को देख ऐसा लग रहा था की जैसे मन बनाकर ये मैदान पर आए हूँ की आज इंग्लैंड की शामत ही लाना है इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक लगातार विकेट की तलाश में स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन केएल राहुल और शुभ शुभन गिल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को तैतीस ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को दो विकेट के नुकसान आरोप एक रनों तक पहुँचा दिया था राहुल और शुभमन गिल खतरनाक अंदाज में भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देख तो यही लग रहा था की आज पूरे दिन टीम इंडिया ही बल्लेबाजी करने वाली है क्योंकि मैदान पर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे इंग्लैंड के हर गेंदबाजों का ये डर कर सामना कर रहे थे लेकिन टीम के लिए पैंतीसों ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली ने अपने ओवर की पांचवी गेंद पर शुभमन गिल को जैकेट के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया शुभमन गिल तेईस रन बनाकर पवेलियन गए और भारतीय टीम को एक रनों के स्कोर आरोप तीसरा झटका लग गया टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी थी अब के राहुल का साथ देने के लिए मैदान आरोप श्रेय सैयर आ गए भारतीय टीम के तीन बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे अब इन दोनों खिलाड़ियों की खंधों आरोप टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरीके ऐसी भारतीय बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही एक घंटे के अंदर ही भारत ने दो बड़े विकेट गवा दिए शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन्स्टोक ने छत्तीसवा ओवर फेंकने आए तेज गेंदबाज मार्कवुड के हाथों में गेंद थमाई इंग्लैंड टीम बड़ी ही चतुराई से गेंदबाजी कर रही थी श्रेय सैयर के आते ही मैदान पर तेज गेंदबाज से ओवर फेंकवाना इंग्लैंड के कप्तान ने शुरू कर दिया लेकिन के राहुल कहाँ पीछे हटने वाले थे वो तो अपने बल्ले ऐसी जमकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जिया उड़ा रहे थे लगातार चौके लगाए जा रहे थे मार्कवुड को के राहुल ने लगातार उनकी दूसरी और तीसरी गेंद आरोप चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी ऐसी आगे बढ़ाने लगे के राहुल मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के स्कोर को ये आगे बढ़ा रहे थे वहीं उनका साथ श्रेय सैयर भी भरपूर निभा रहे थे राहुल की बल्लेबाजी देख कर लगने लगा की टीम इंडिया मैच में बेहतरीन वापसी करने वाली है क्यूँकी के राहुल मार्कवुड की पांचवी गेंद पर भी एक चौका जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को एक रनों के पार पहुँचा दिया टीम इंडिया ने छत्तीस ओवरों में तीन विकेट खोकर एक रन बना लिए थे के राहुल पचास गेंदे खेल कर उनतालीस रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे वहीं श्रेयस सैयर भी अपना खाता नहीं खोल पाए लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जिया उड़ान का पूरा मन बना लिया और फिर मैदान में ही तांडो मचाते हुए हर किसी को हैरान कर दिया एक के बाद एक भारत के सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को बराबरी पर ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के सामने एक बड़ी लीड भी रखने में सफल थे तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज खेल